आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। छोटे मोटे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कुछ नहीं होने वाला है। आज ही आपके बुलडोजर, मेरा अनुरोध है, दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरा आपसे अनुरोध है, उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है, इसका अर्थ यही है, शब्द जाल से भ्रमित ना आप खुद हो और ना ही हिंदुओं को भ्रमित होने दें, क्योंकि आप हिंदुओं की आशाओं के एकमात्र केंद्र बिंदु हैं। अगर आप भी और नेताओं की तरह शब्द जाल से हिंदुओं को भ्रमित करके खुश हो जाएंगे तो यह आपका और सारी कौम का दुर्भाग्य है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को, जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए लड़ रहा है और घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। छोटे मोटे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कुछ नहीं होने वाला है। आज ही आपके बुलडोजर, मेरा अनुरोध है, दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करिए। और मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, अगर तुम्हारे ये नेता नहीं कर पाते इस काम को तो हिंदुओं तुम करो, वरना ये तुम्हारी नस्लों को नहीं छोड़ेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।